गाजीपुर से अमित उपाध्याय, पत्रकार यूपी हेट की खास रिपोर्ट। 15 सितंबर को पीएम आवास ग्रामीण के सर्वे का ऐप होगा लॉन्च, पीडी राजेश यादव। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर 15 सितंबर से प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण का सर्वे होगा, जिसका एप्लीकेशन लॉन्च होगा और इस एप्लीकेशन का लॉन्च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमशेदपुर झारखंड से करेंगे, जिसका वीडियो पूरे भारत जिला ब्लॉक और गांवों में दिखाने का निर्देश दिया गया है। ये जानकारी जिला परियोजना निदेशक राजेश यादव ने प्रेस वार्ता में बताया। उन्होंने कहा कि जनपद स्तर का कार्यक्रम सदर ब्लॉक में जनप्रतिनिधियों के साथ भव्य रूप से किया जाएगा और इस कार्यक्रम को ब्लॉक स्तर समेत गांव-गांव में ग्राम प्रधानों के द्वारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हमारे जिला में अल्पसंख्यक का 315 आवास सेंक्शन किया गया है। पूरे भारत में अल्पसंख्यकों का आवास बचा हुआ था, उनके प्रमाण पत्र भी करंदा और मर्दा ब्लॉक को छोड़कर बाकी सभी ब्लॉकों में लाभार्थी मिले हैं। लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किया जाएगा। सर, आगामी 15 तारीख को किस तरह का कार्यक्रम है और क्या बतलाएंगे? देखिए, आगामी 15 तारीख को प्रधानमंत्री आवास का सर्वे जो है ग्रामीण का होगा, जिसका ऐप लॉन्च होगा। 16 तारीख से ऐप पे सर्वे शुरू होगा। उस ऐप का लॉन्च जो है माननीय प्रधानमंत्री जी जमशेदपुर झारखंड से करेंगे और पूरे भारत में उसका वीडियो जो है सभी ब्लॉकों में, सभी गांवों में दिखाने का निर्देश दिया गया है। जनपद स्तर का जो कार्यक्रम होना है वो सदर ब्लॉक में होना है, जिसमें माननीय सांसद जी बलवंत जी को बुलाया जाएगा, MLC साहब बुलाया जाएगा, सदर विधायक साहू जी को बुलाया जाएगा, वहां के प्रमुख रहेंगे और सदर ब्लॉक के जो जिला पंचायत सदस्यगण है उनको बुलाया जाएगा, जो बीजेपी के मंडल अध्यक्ष वगैरह उनको भी बुलाया जाएगा और उसका व्यापक तरीके से एक कार्यक्रम करके संडे को जो है किया जाएगा 11 बजे। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, लोगों से अपील ये करना है कि ये कार्यक्रम गांव पंचायत में भी प्रधान द्वारा कराया जाएगा और गांव के जो लाभार्थी है उसमें आएंगे। ब्लॉक स्तर पे भी ये कार्यक्रम कराया जाना है, जिसमें सभी ब्लॉकों में प्रमुख भाग रहेंगे और जिला पंचायत सदस्य रहेंगे, क्षेत्र पंचायत सदस्य रहेंगे और 100 लाभार्थी आने हैं हर ब्लॉकों में, ग्राम पंचायतों से मिला के पूरे ब्लॉक से। उनको चाबी का वितरण, गृह प्रवेश या अभी अल्पसंख्यक का 315 आवास हमारे जनपद में सेंक्शन किया गया है। अल्पसंख्यक का आवास बचा हुआ था पूरे भारत में, तो 70,000 आवास यूपी में, जिसमें 315 आवास गाजीपुर में प्राप्त हुआ है, उनका सेंक्शन हो गया है। उनके प्रमाण पत्र भी जिन ब्लॉकों में है, करंडा और वहां मर्दा को छोड़ के बाकी सभी ब्लॉकों में लाभार्थी मिले हैं, उनका जो है वितरण भी किया जाएगा प्रमाण पत्र का। सर, एक आवास पाने के लिए मानक क्या क्या होना चाहिए? देखिए, मानक सब पुराना जो गाइडलाइन में था वही है, केवल नया सुधार हुआ है कि इस बार जो अगर आवास विहीन लाभार्थी है, मड़ई है या करकट है, छप्पर है, तो अगर उसके पास मोटरसाइकिल है तब भी उसको आवास मिलेगा, उसके पास अगर जो है फ्रिज है तब भी मिलेगा। और पिछली बार लैंडलाइन फोन की वजह से बहुत आवास कट गए थे, बाद में अलाउड हुए थे, जबकि आज के जमाने में लैंडलाइन फोन है नहीं कहीं ऑफिसों को छोड़ के, तो लैंडलाइन वाला हटा दिया गया है। दूसरे, पिछली बार ये था कि जिनकी प्राइवेट कमाई भी सैलरी 10,000 है उनको आवास मंथली नहीं दिया जा रहा था, इस बार उसको बढ़ा के 15,000 कर दिया गया है, तो मोटी मोटा इतना परिवर्तन किया गया है।